सोमवार को फरियादियों की फरियाद सुन रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए 8 महीने से परेशान दो लड़कों ने आखिरकार गोरखपुर न्यूज की मदद से कामयाबी पा ही लिया। ये दोनों लड़के जौनपुर के निवासी हैं, जो कि मुख्यमंत्री को अपने हाथों से बने उपहार को देने के लिए भटक रहे थे। पेश है हमारे संवाददाता सुनय पांडे की विशेष रिपोर्ट। कहते हैं जुनून ही इंसान को कामयाबी दिलाती है, और कामयाबी जब तक ना मिल जाए तब तक विवेकानंद के कथन के अनुसार चलते रहो चलते रहो। ऐसी ही एक कहानी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो किसी जुनून से कम नहीं। टीवी स्क्रीन पर दिख रहे ये दो लड़के प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पिछले 8 महीनों से दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हम अपने दर्शकों को बताते चलें कि ये किसी जरूरत से आए फरियादी नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री को अपने जादुई हाथों से बनाए हुए इस उपहार को भेंट करने के लिए लगातार लखनऊ, कभी गोरखपुर, फिर कभी कहीं और, यूं ही कतारों में खड़े रह रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। इन दोनों लड़कों ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और मुख्यमंत्री को अपना ये गिफ्ट भेंट करने के लिए जुनून की स्तर पर लग गए। चूंकि सोमवार को स्वयं मुख्यमंत्री शहर में थे और गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे, बस यही एक अंतिम मौका था जिसे भुनाने के लिए ये दोनों लड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में खड़े रहे, और ये खड़े रह जाते अगर गोरखपुर न्यूज की नज़र इन लड़कों पर नहीं पड़ती। मीडिया धर्म का पालन करते हुए गोरखपुर न्यूज के विशेष प्रयास से आखिरकार इन्हें कामयाबी मिल ही गई। जौनपुर के मूल निवासी रोहित शर्मा और उसका दोस्त मनीष शर्मा से जब गोरखपुर न्यूज के संवाददाता ने बात की तो इसके बारे में उन्होंने कुछ इस तरह से बताया। किस उद्देश्य आए हैं आप यहाँ पे? माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहते हैं और अपने देश प्रेम के प्रति हमें इसे बनाया, उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद देना चाहता। ये आपने अपने हाथों से बनाया है? हाथों से बनाया। अच्छा, करते क्या है आप मुख्यतः? पढ़ाई करते हैं, बस ITI कर रहे थे तो हमारे दिमाग में आया कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। लकड़ी का काम करते नहीं, पिताजी करते हैं तो हम अपने हाथों से इसे बनाया। अच्छा, कितने दिनों से परेशान है मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आप? तो सर 15 अगस्त से हम लोग सोच रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन आज वो दिन आया जब हम यहाँ गए थे, वहाँ पर मिल नहीं पाए, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच नहीं पाई, जिसके कारण मिल नहीं पाए। और आज माननीय अपनी DTN जिनसे बात हुई, ठीक है, बोला कि आप आइए। गोरखनाथ मंदिर कितने बार आ चुके हैं कि ये पहली बार है लेके आए हैं? नहीं, एक बार गिफ्ट लेके आए थे, तब आए थे, दूसरी बार दो बार हो गया। बोले जब आदेश होगा तो हम बुला लेंगे, एक बार किए थे, कल हमारे पास फोन आया जाओ बेटा, कल सुबह में साथ में। आप बताइए, ऐसी क्या प्रेरणा आई कि मुख्यमंत्री जी को ये गिफ्ट देने के लिए अपने हाथों से बना के दे रहे हैं आप? सर हमने बस एक खुशी है सर, अपनी एक इच्छा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनका चरण स्पर्श कर आशीर्वाद। सबका कुछ ना कुछ इच्छा होता है, तो ऐसे हम लोगों का भी इच्छा, और हमें उनसे कुछ चाहिए नहीं, सिर्फ उनका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ, बस आशीर्वाद की कामना करता हूँ। बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए? सर सिर्फ आशीर्वाद। ITI किया हुआ रोहित शर्मा अपने हाथों से इस कास्ट कला को उकेरा है, और जब ये पूरा बन गया तब उसने उसके उम्मीदों को पंख लग गई कि किसी भी तरह हो अपने इस तोहफे को योगी आदित्यनाथ को भेंट करेगा। इन दोनों के आंखों में उस समय चमक आ गई जब जनता की फरियाद सुनने के बाद CM की नज़र इनके और इनके तोहफों की तरफ पड़ी। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाकर इसके बारे में उनसे बात की और अपना आशीर्वाद भी दिया। क्या है इसका, वो है थीम क्या है इसका?
अपने देश प्रेम के प्रति हमारे क्या है इसका उद्देश्य क्या है महाराज जी को भेंट करना था देश प्रेम संबंधी से क्या हमारा बच्चा पढ़ता है इसका कोई चीज बनाते हो आकृति बनाते हो तो उसकी एक थीम होती है उसका एक उद्देश्य होता है क्या मैसेज दे रहा है ठीक है ना इस प्रकार का एक बनाना चाहिए अच्छा वैसे अपने भारत माता का चित्र बनवा करके आठ महीनों की मियाद के बाद आखिर सीएम से मिलने और अपने तोहफे को देने की खुशी इन दोनों की आंखों में झलक रही थी।